दोस्तों डेट है 23। फाइनली हमने टैक्सी ले ली है। तो हम लोग आ चुके हैं स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे। तो हमने अपनी फ्लाइट चेक कर ली है। तो दोस्तों फाइनली ये रहा हमारा प्लान और हम फ्लाइट पॉकेट में लैंड हो चुकी है। हमने कार बुक कर ली है। हम लोग आ चुके हैं फुकेत में, बांग्ला स्ट्रीट में हम लोग आ चुके हैं। क्या क्या खाते हैं लोग भाई, बस देखते जाओ। तो फुकेत में हमने दो दिन के लिए जो रूम बुक किया है, ये रहा स्विमिंग पूल 6th फ्लोर पे। अच्छा स्विमिंग पूल है, मतलब अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये साफ पानी है स्विमिंग पूल। दोस्तों डेट है 23 और टाइम हो रहा है 12:00 और हमने कर दिया चेकआउट अपने हॉस्टल से, क्योंकि अब हमको लेना है फ्लाइट फुकेत के लिए। तो फ्लाइट तो शाम की है पर चेकआउट करने का टाइम यहाँ पे 12:00 का है। तो हमने 12:00 यहाँ पे चेकआउट कर दिया है। अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं फुकेत के लिए। तो अभी तो एक दोस्त है, उसको लेने के लिए जाना है दूसरे हॉस्टल में, वहाँ जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लिख देंगे। तो मिलते हैं। सो फाइनली हमने टैक्सी ले ली है। टैक्सी जो ली है हमने यहाँ सुखुम्बित से टैक्सी ली है और हम जा रहे हैं अभी स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो हमारा जो चार्ज है इस टैक्सी में बैठने का, तीन लोगों का जो ट्वेल चार्ज लगा है 308 baht लगा है। 308 baht का मतलब होता है कि आप इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे तो लगभग पहुँचेगा ये 700 के आसपास ही पहुँच जाएगा। 700 लग रहे हैं तो ये सही है, मतलब क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से 28 से 30 किलोमीटर है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट की डिस्टेंस। तो 30 किलोमीटर के हिसाब से और तीन लोगों के हिसाब से अच्छा है, मतलब कन्वीनियंट है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो मतलब ये कहने का ये है कि यदि आप कभी भी थाईलैंड में आते हैं तो आप वहाँ वॉल्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप ग्रुप में आते हैं तो अच्छी बात है। तो टैक्सी करेंगे चार लोगों के लिए तो आप सफिशेंट रहेगा। उसके अलावा फिर आप बाइक भी हायर कर सकते हैं, तो लेकिन बाइक हायर करने में थोड़ा सा मतलब कम ज़्यादा थोड़ा ही रहता है, टैक्सी और बाइक का इतना ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे। ये बहुत बड़ा और मेन एयरपोर्ट है अपने बैंकॉक का। तो इस पर हम आ चुके हैं, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से हमारी जो फ्लाइट है 7:25 पे यहाँ से निकलेगी। तो अभी हम पूछते हैं कि फ्लाइट कहाँ पे क्या कैसे क्या जाएगी। यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये जो पीछे चार्ट चल रहा है पीछे, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि फ्लाइट कहाँ से मिलेगी और कहाँ जाना पड़ेगा। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ कि ये एयरपोर्ट कैसा है। तो हमने अपनी फ़्लाइट चेक कर ली है, हमारी फ़्लाइट कहाँ पे है, कहाँ से मिलेगी, कहाँ से हमको चेक इन करना है। तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो चेक इन हो चुका है, हमको बोर्डिंग पास मिल चुका है। अब हम फ्लाइट का वेट कर रहे हैं, फ़्लाइट आएगी और हम जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, एयरपोर्ट पर मास्क ज़रूरी है। थाईलैंड में मास्क ज़रूरी नहीं है। थाईलैंड में मतलब अंदर सिटी के अंदर बैंकॉक वगैरह यदि जाते हैं तो वहाँ पर मास्क ज़रूरी नहीं है, पर एयरपोर्ट पर ज़रूरी है। तो अब हमारे पास बोर्डिंग पास भी आ चुका है, मेरा बोर्डिंग पास। तो अब जाएंगे हम, B7 पे हमको जाना है, B7 से हमको फ्लाइट मिलेगी। ये रहा एयरपोर्ट और ये रही बस। अब हम लोग एक बस में बैठेंगे और फिर वो बस लेके जाएगी हमको फ्लाइट तक। तो दोस्तों फाइनली ये रहा हमारा प्लान और हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पर खड़े हैं। फाइनली हम लोगों की फ्लाइट फुकेत में लैंड हो चुकी है। हम लोग आ चुके हैं फुकेत में। तो अभी तो लागे के लोग उतर रहे हैं पर आराम से पीछे बैठे हुए हैं।
भाई आ गया भुगत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों हम आ चुके हैं फुकेट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर। तो अभी हम लोग मतलब रात का टाइम हो रहा है, 8:30 बज रही है यहाँ पर, 8:30 बज रही है आपके वहाँ पे 7 बज रही होगी। तो अभी हम आ चुके हैं फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, HKT एयरपोर्ट है यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी पहले खाना खाएंगे, खाना खा के फिर हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है। अभी हमने होटल वगैरह की जो टिकट है वो बुक नहीं की थी, तो हम लोग होटल अभी इंस्टेंट बुक करेंगे यहीं पे। देखते हैं कौन सा होटल नियर बाय रहेगा, जो नियर बाय रहेगा वो बुक कर लेंगे। उसके बाद फिर प्लान करना है कि कहाँ पे जाना है, मतलब प्लान तो है पर अभी रात का प्लान करना है कहाँ पे जाना है। दोस्तों फाइनली हमने कार बुक कर ली है यहाँ पे, कैब बुक कर ली है। तो अब ये हम बुक नहीं करी है, खतरनाक ही चीज़ बुक कर ली है। हाँ, मतलब हमने एक कार बुक करी है, कार हायर कर ली है, अच्छी कार है, मतलब देख सकते हो आप तो पूरी ये कार बुक करी हमने। इसमें तो 7-8 लोग हो तो भी शायद 8 सीटर गाड़ी है। हाँ 8 सीटर गाड़ी है, 8-10 सीटर गाड़ी है। तो ये हमने बुक कर ली है। अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, पटोंग बीच पे। तो फुकेत में पटोंग बीच बांग्ला स्ट्रीट दोनों पास पास में है, तो वहाँ पे नाइट लाइफ स्टाइल के लिए ही लोग जाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे जाके फिर हॉस्टल बुक करेंगे। तो अब हम लोग आ चुके हैं, कहाँ पे आ चुके भाई साहब? हाँ हम लोग आ चुके हैं फुकेत में बांग्ला स्ट्रीट में हम लोग आ चुके हैं। तो क्या क्या खाते हैं लोग भाई, तो बस देखते जाओ। देखो तो दोस्तों फुकेत में हमने 2 दिन के लिए जो रूम बुक किया है, बहुत ही बड़ा होटल बुक किया हमने। तो जो होटल है वो इस तरीके से है, तो ये यहाँ पे लेटिंग बाथरूम कुछ इस तरीके से है, वहाँ पे बाथरूम है और इस तरीके वो शावर है और ये वॉश बेसन है, लेटिंग ये रही और ये हैंगर है, कांच यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद ये टीवी यहाँ पे ऐसी रखी हुई है, टीवी रखी हुई है। उसके अलावा फिर यहाँ पे एक छोटा सा फ्रिज हमने दिया हुआ है, पानी वानी के लिए छोटा सा फ्रिज हमने दिया हुआ है। उसके अलावा फिर यहाँ पे एक ड्रॉज है, ऊपर एसी लगा हुआ है यहाँ पे, और इस तरीके से ये बेड है डबल बेड का, उधर फोन रखा हुआ है, और फिर इधर ये बालकनी भी है यहाँ पे, बालकनी भी यूज कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ बैठ सकते हैं, तो ये बालकनी भी है। उसके बाद फिर यहाँ पे कबर्ड भी दिया हुआ है कपड़े वगैरह रखने के लिए, तो ये कबर्ड भी दिया हुआ है। तो ये रूम है, इसके अलावा इस रूम के साथ में हमको स्विमिंग पूल भी दिया गया है, स्विमिंग पूल मैं आपको बताता हूँ अभी। तो दोस्तों ये आ चुके हम 6th फ्लोर पर, जहाँ पर हमने स्टे किया है, तो उसके छत पर 6th फ्लोर पर स्विमिंग पूल है, तो वहाँ पर हम आ चुके हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमने पेड़ पौधे यहाँ पे लगा कर रखे हैं गमले में, और उसके बाद ये रहा स्विमिंग पूल 6th फ्लोर पे, अच्छा स्विमिंग पूल है, मतलब अच्छा में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये साफ पानी है, स्विमिंग पूल चालू है, मतलब कि इनमें मोटर वगैरह लगी रहती है साफ पानी करने के लिए, तो वो चालू है। तो ये रहा स्विमिंग पूल, और ये रहा लेटने के लिए ये लगे हुए हैं, यहाँ पर लेट सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऊपर जाके वहाँ भी आराम से लेट सकते हैं। तो ये स्विमिंग पूल है नहाने के लिए, आराम से यहाँ नहाओ, एंजॉय करो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।